रहा भैया? 2 बज रहे भाई। लगता है कोई स्टेशन आया, तभी ट्रेन रुकी है। अब देखूं क्या कुछ खाने को मिल रहा है, बहुत भूख लगी है भैया। अरे ये दरवाजा खुल क्यों नहीं रहा भाई? ओ भैया, ये स्टेशन आते ही सभी ट्रेनों के दरवाजे बंद हो जाते हैं, कोई दरवाजा नहीं खुलेगा। ऐसा क्यों अंकल जी? अब किसी को नीचे से कुछ लेना हो, खाने का, पानी वानी, तो वो कैसे लेगा बताओ? गरम गरम समोसे ले लो भैया। दरवाजे बंद है तो क्या हुआ है? मैं खिड़की से ही इस लड़की से समोसे खरीद लेता हूँ। गरम गरम समोसे देखकर अब मुझसे नहीं रुका जाएगा भाई। अब रुक जाओ, मत खोलो खिड़की, मैं मना कर रहा हूँ, अनर्थ हो जाएगा। क्या अनर्थ होगा है? अब भूख में कंट्रोल कैसे करूँ? लाओ दो समोसे देना मुझे। कितने के है? नहीं, मैंने मना किया था। मेरी बात कौन मानता है? जान से हाथ धो बैठे। पांचों बहने गर्दन उड़ा कर ले गयी। पांचों चुड़ैल बहने इस स्टेशन पर समोसे खरीदने वाले किसी यात्री को नहीं छोड़ती। अचानक से इतना खौफनाक हादसा देख कर ट्रेन में बैठे सभी यात्री बुरी तरह से डर गए थे। उनमें से एक लड़की ने बूढ़े व्यक्ति से पूछा, अंकल जी आखिर ये कहानी क्या है, क्या आपको इसके बारे में कुछ पता है? बेटी मैं जानता हूँ इन पांच चुड़ैल बहनों की जिंदगी की पिछली कहानी। अरे वकील बाबू आइए आइए। राशन लाल जी, पांचों बहनों को बुला लीजिए, मैं उनके हस्ताक्षर लेकर उनके हिस्से के 5,000 रुपए उन्हें दे दूंगा। वकील साहब, रकम थोड़ी बढ़ नहीं सकती? मेरा मतलब ये है कि 5,000 रुपए, अब महंगाई इतनी बढ़ गई है। रोशन लाल जी, पांचों बच्चियों के पिता यानी कि आपके बड़े भाई साहब महेंद्र नाथ ने जितनी भी जमीन जायदाद कमाई थी उसी के हिसाब से बच्चियों को खर्चा मिल रहा है। वैसे एक बात पूछूं? हाँ हाँ पूछिए। भगवान न करे अगर इन पांचों बच्चियों को कुछ हो जाता है या कोई हादसा हो जाता है तो ये जायदाद दान पेटी में चली जाएगी। नहीं नहीं ऐसा नहीं है। 18 साल से पहले अगर इन बच्चियों को कुछ हो जाता है तो इनकी सारी जायदाद आपको मिल जाएगी। भगवान ऐसे बोलना बुलाए, पांचों बच्चियां तो मेरी जान हैं। जब तक ये 18 साल की नहीं हो जाती मैं इन्हें फूलों की तरह संभाल कर रखूंगा। ये देखिए मेरी पांचों बेटियां आ गई हैं। आओ बच्चों आओ। वकील साहब जहाँ जहाँ कह रहे हैं वहाँ वहाँ अपने अंगूठे लगा दो। पांचों बच्चियां बहुत मासूम थी, उनके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे और इन अनाथ बहनों को इनके ताऊ और ताई नहीं पाला था। वकील की बातों को सुनकर पांचों बहनों के ताऊ और ताई के मन में लालच आ जाता है। सुनो जी, ये तो बड़ा अच्छा मौका है, अगर हम इन बहनों को ठिकाने लगा दें तो सारी जायदाद हमारी होगी, फिर तो हम राज करेंगे। यही तो मैं भी सोच रहा हूँ कि आखिर इन पांचों को ठिकाने कैसे लगाया जाए। कान इधर लाओ। ताई ने ताऊ के कान में कुछ बोला और अगले दिन पांच बहनों को बुलाया। तुम सब जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं और तुम्हारे ताऊ तुम्हारे नाना जी से मिलने जा रहे हैं। अब तुम सब अपने नाना जी के पास मजे करना। हम नाना जी के पास जा रहे हैं ताई जी। हाँ ये देखो, मैं तुम पांचों के लिए नई फ्रॉक खरीद कर लाई हूँ। अब तुम सब अपनी नई नई फ्रॉक पहन कर तैयार हो जाओ। पांचों बहनें आपस में बहुत खुश थी और खेलते कूदते तैयार हो गयी। अरे और कितनी देर है, स्टेशन पर गाड़ी लग गई होगी, कहीं ऐसा ना हो हमारे पहुँचने से पहले गाड़ी छूट जाए। अरे आ रहे हैं, बैग उठाने में समय भी तो लगता है। चलो बच्चों जल्दी चलो। पांचों बहनें एक दूसरे का हाथ पकड़ लेती हैं। उनके ताई और ताऊ उन्हें लेकर रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं। रात हो चुकी थी, 11 बजे का टाइम था। ताऊ जी हम इतनी रात में रेलवे स्टेशन पर आए हैं। कोई बात नहीं बिटिया, आराम से ट्रेन की सीट पर सो जाना, हम सुबह तक पहुंच जाएंगे। अच्छा तुम सब यहां डिब्बे में अपनी अपनी सीट पर बैठो, मैं तब तक तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेके आता हूं। मासूम बच्चियां बहुत खुश थी क्योंकि वो अपने नाना के घर जा रही थी। रोशन लाल ट्रेन से नीचे उतरता है और एक समोसे की दुकान पर जाता है और वहाँ से 7 समोसे खरीदता है। वो 2 समोसे अलग करके 5 समोसों पर जहर छिड़क देता है। ये लो तुम पांचों अपना अपना समोसा खाओ, ये लो भाग्यवान तुम्हारा समोसा, इतनी देर से भूख लग रही थी। ताई और ताऊ का काम हो चुका था, बच्चियां समोसे खाने लगी और खाते खाते बेहोश हो गई। जहर अपना असर दिखाने लगा और कुछ ही देर में पांचों बच्चियां मौत के गले लग गई। भाग्यवान हमारा काम हो गया, जल्दी से यहाँ से भागो वरना कोई हमें देख लेगा। बच्चियों के ताऊ और ताई उनकी लाश को छोड़कर वहाँ से भाग जाते हैं। अगले स्टेशन पर पुलिस जब उनकी लाश देखती है तो कोई सबूत न मिलने के कारण वो बच्चियों की लाश को जला देते हैं। पर कहते हैं ना, जुर्म की सजा पापी को जरूर मिलती है। ताई और ताऊ जब घर पहुँचे तो उन्हें डरावने सपने आने लगे और वो दोनों बहकी बहकी बातें करने लगे। दोनों पागलों से हरकत करने लगे और एक दिन ताई ने कुएं में कूद कर अपनी जान दे दी और ताऊ ने भी पंखे से लटक कर फांसी लगा ली। वो बच्चियां मर तो गईं पर पांचों बहनें चुड़ैल बन गईं। उनकी आखिरी इच्छा थी
अपने नाना से मिलने की। आज भी वो स्टेशन पर अपने नाना से मिलने का इंतजार कर रही है। अंकल जी सचमुच बहुत दर्द भरी कहानी है। बेचारी पांचों बहनों के साथ कितना बुरा हुआ, उनके ताऊ और ताई को उनके किए की सजा मिल गई, अब उन पांचों चुड़ैल बहनों की आत्मा को शांति मिल जाए। पर आप उनके कौन लगते हैं? आप उनके बारे में ये सब कैसे जानते हैं? क्योंकि मैं ही उन अभागी बहनों का नाना हूँ। इतना कहते ही वो बूढ़ा व्यक्ति ट्रेन के दरवाजे से कूद गया। लड़की और ट्रेन में बैठे सब लोग बुरी तरह से सहम गए। वास्तव में बच्चियों के नाना को मरे हुए तो कई साल बीत गए थे। ये बात ताऊ और ताई जानते थे, पर उन्होंने बच्चियों को उनके नाना की मौत के बारे में बताया ही नहीं था। वो तो अपने नाना को जिंदा समझकर उनसे मिलने जा रही थी। लड़की देखती है कि नाना की आत्मा उन पांचों बच्चियों की आत्माओं को गले लगा रही है। न जाने कब से वो पांचों बहनें अपने नाना से मिलने के लिए तरस रही थी। देखते ही देखते पांचों चुड़ैल बहनें और नाना की आत्मा धुएं में गायब हो जाती है और ट्रेन चल पड़ती है। उस दिन के बाद कभी भी ऐसा हादसा नहीं हुआ, क्योंकि बहनों की आखिरी इच्छा पूरी हो गई थी। कहां है वो तीनों? रानी जी हमने राजकुमारियों को हर जगह ढूंढा, लेकिन वो हमें कहीं नहीं मिले। तो आखिर उन तीनों ने अपनी मनमानी कर ही ली। परीलोक की रानी परी अपनी तीन बेटियों के बारे में बात कर रही थी, विधि, निधि और रिधि। ये तीनों बहनें परीलोक की राजकुमारियां थीं और स्वभाव से बड़ी ही चंचल थी। तीनों के पास बड़ी ही खास जादुई शक्तियां थी, लेकिन फिर भी उन तीनों के मन में एक इच्छा थी जिसे पूरा करने के लिए उन्होंने परीलोक का सबसे अहम नियम तोड़ा था। नहीं, परीलोक से बाहर जाने की इजाजत किसी को नहीं है। माँ, हम वादा करते हैं कि इंसानों के सामने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हमें बस एक बार इंसानों के बीच जाना है, उनकी दुनिया देखनी है। हम जानना चाहते हैं कि बिना जादू के आखिर वो कैसे रह पाते हैं। नहीं, बिना कोई शरारत किए तुम तीनों का एक दिन नहीं गुजरता। और वैसे भी तुम लोग इंसानों के बारे में जानती क्या हो? भले ही उनके पास हमारी तरह जादुई शक्तियां ना हो, लेकिन फिर भी वो बहुत खतरनाक है। अगर किसी को भी तुम्हारी असलियत पता चल गई, पता नहीं वो लोग तुम्हारे साथ क्या करेंगे। वो कुछ नहीं कर पाएंगे माँ, मान जाइए, बस एक दिन के लिए जाने दीजिए हमें। नहीं, मैं तुम्हें इसकी इजाजत कभी नहीं दे सकती, समझी तुम तीनों? मैंने कहा था ना माँ नहीं मानेंगी, हमें चुपचाप ही जाना होगा। लेकिन माँ को पता चल गया तो? और परीलोक के द्वारपाल? वो हमें कभी बाहर नहीं जाने देंगे। द्वारपालों की चिंता आप मत कीजिए दीदी, उनका इंतजाम मैं कर लूंगी। और माँ को कुछ पता ना चले, इसके इंतजाम निधि दीदी कर लेंगी। सबसे बड़ी परी विधि अपने जादू से प्रकृति को काबू में कर सकती थी। मछली परी निधि किसी भी तरह के रोग या घाव का पल भर में इलाज कर सकती थी। और सबसे छोटी परी रिधि, वो अपने जादू से पलक झपकते ही बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर सकती थी। अपनी इन्हीं शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए सबसे पहले निधि ने रानी परी को गहरी नींद में सुला दिया। फिर रिधि ने अपने जादू से द्वारपालों को एक दीवार में कैद कर दिया। सिर्फ उनका सिर ही बाहर था, बाकी शरीर दीवार के अंदर था। ऐसा मत कीजिए राजकुमारी जी, रानी जी को पता चल गया तो गजब हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, माँ आराम कर रही है, उनकी नींद खुलने से पहले हम वापस आ जाएंगे, तब तक तुम लोग भी थोड़ा आराम कर लो। तीनों बहनें हंसती हुई परीलोक की सीमा से बाहर आ जाती हैं और अपने जादू से इंसानों के बीच पहुंच जाती हैं। वो अपना रूप बदल कर इंसानों जैसे दिखने लगती हैं। उनके लिए वहाँ सब कुछ नया था। इंसानों को अपनी रोजी रोटी के लिए मेहनत करते देखना उन्हें बड़ा अजीब लग रहा था। अरे दीदी देखो तो जरा, एक दीवार बनाने के लिए ये लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं। मैं तो ये काम चुटकी बजाते ही कर सकती हूँ। हाँ, और वो वहाँ देखो, ये लोग इस गर्मी से कितने परेशान हैं। हमारे यहाँ तो ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि वहाँ मैं जो मौसम बदलने के लिए। वो तीनों आपस में बातें कर ही रही थी कि तभी उनके सामने एक बच्चा खेलते हुए अचानक जमीन पर गिर जाता है। उसके हाथ पर चोट लग जाती है जिससे काफी खून बहने लगता है। अरे अरे मुन्ना, ये क्या हो गया बेटा? चल जल्दी चल, मैं तुझे डॉक्टर के पास लेकर जाती हूँ। अरे ये डॉक्टर कौन है? वो मेरी तरह जादू करके इस बच्चे की चोट ठीक कर सकता है क्या? चलो दीदी इनके पीछे चलकर देखते हैं। तीनों बहनें उस बच्चे और उसकी माँ के पीछे जाते हैं। अरे ये क्या कर रहा है? उसकी चोट पर ये क्या बांध रहा है? ऐसे थोड़ी ही ठीक होगी इस बच्चे की चोट। रिद्धि, ये इंसान है, तुम्हारी तरह जादू नहीं कर सकते। जहाँ एक तरफ ये तीनों बहनें इंसानों के बीच वक्त के बारे में भूल गईं, तो वहीं दूसरी तरफ परीलोक में रानी परी नींद से जाग गई थी। नींद से जागते ही उन्हें इस बात का एहसास हो गया कि उन पर जादू किया गया था। उन्होंने फौरन तीनों राजकुमारियों को बुलवाया, लेकिन सेविकाओं को वो तीनों कहीं भी नहीं मिले। इन तीनों ने इस बार हद पार कर दी है, इस बार इन्हें सजा देनी ही होगी। इसी के साथ रानी परी भी अपने जादू से इंसानों की दुनिया में आ जाती है। उस वक्त वो तीनों बहनें इंसानों को अपने जादू से परेशान कर रही थी। तुम तीनों की हिम्मत कैसे हुई मेरे मना करने के बावजूद यहाँ आने की? और ये क्या कर रही हो? यहाँ आकर जादू कैसे कर सकती हो तुम?
रानी परी को सामने देखकर उन तीनों के होश उड़ गए। वो तुरंत ही माफी मांगने लगी। माँ हमें माफ कर दीजिए, हम बस कुछ ही देर के लिए यहाँ आए थे, अब हम कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे। नहीं करोगी? तुम कर ही नहीं पाओगी। इंसानों की दुनिया घूमना चाहती थी ना तुम, तो ठीक है मैं तुम्हारी ये इच्छा पूरी कर देती हूँ। अब तुम तीनों यहीं रहो हमेशा हमेशा के लिए। रानी परी अपने जादू से उन तीनों से उनकी जादुई शक्तियाँ छीन लेती है, जिसकी वजह से वो तीनों अब परी से साधारण इंसान बन गई थी। रानी परी वापस परीलोक लौट जाती है। इसके बाद लगता है इस बार वाकई हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, वरना माँ हमें कभी इतनी बड़ी सजा नहीं देती। हाँ, जिन इंसानों का मजाक उड़ा रहे थे अब हम भी उनके जैसे ही हो गए हैं। हमारे पास अब कोई जादुई शक्ति नहीं है, इसलिए हम चाहकर भी परीलोक वापस नहीं जा सकते। क्या करेंगे अब हम? इंसानों के बीच इंसानों की तरह ही रहेंगे और क्या, और यह हमें इंसानों से ही सीखना होगा। तीनों बहनें काफी देर तक इधर उधर भटकती रहती हैं। भूख प्यास से उनका बुरा हाल था। वो तीनों थक हार कर एक जगह बैठ गईं। तभी खिलौने बेचने वाली एक बूढ़ी औरत वहां आई और इन तीनों से बोली, क्या हुआ, तुम तीनों यहाँ ऐसे क्यों बैठी हो? तुम्हारा घर कहाँ है? हमारा घर बहुत दूर है, हम गलती से यहाँ आ गए और अब वापस नहीं जा सकते। अच्छा, तो खो गई हो। तुम चिंता मत करो, मेरे साथ चलो। जब तक तुम्हारे घर वाले तुम्हें ढूंढने नहीं आ जाते, तब तक मेरे साथ रह सकती हो। वैसे भी मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। उस बूढ़ी औरत का नाम कांता था, जो बिल्कुल अकेली थी और किसी तरह अपना गुजारा चला रही थी। वो उन तीनों को अपने साथ ले गई सड़क के किनारे एक छप्पर के नीचे, जहाँ वो रहती थी। ये लो, तुम तीनों मिल बांट कर खा लो। कम है लेकिन फिलहाल इतना ही है मेरे पास। कई साल पहले मैं भी अपने परिवार से ऐसे ही बिछड़ गई थी। बहुत इंतजार किया लेकिन कोई मुझे ढूंढने नहीं आया, तो समझ लिया कि खुद के लिए खुद ही कुछ करना होगा। बेटा, तुम तीनों भी हिम्मत मत हारो, काम ढूंढो, खुद कमाओ और खुद खाओ। काम? पर हमें तो कोई काम करना नहीं आता। नहीं आता तो सीखना पड़ेगा, यही इस दुनिया का दस्तूर है बेटा। कांता अगले दिन से उन तीनों को मिट्टी के खिलौने बनाना सिखाती है, फिर उन्हें बाजार जाकर कैसे बेचना है ये भी समझाती है। तीनों बहनों ने पहली बार देखा था कि किस तरह पेट भरने के लिए इंसान मेहनत करते हैं। हम कितने गलत थे कि इंसान तो सचमुच बहुत मेहनत करते हैं। हमारे पास जादू था इसलिए हमें कभी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। हाँ, लेकिन अब हम सब कुछ सीखेंगे और मेहनत भी करेंगे। ये बूढ़ी अम्मा मुझे माँ की याद दिलाती हैं, और देखो ये कितनी कमजोर और बीमार भी लग रही हैं, फिर भी इन्हें खिलौनों की भारी टोकरी लेकर दिन भर घूमना पड़ता है। काश मेरे पास जादू होता तो मैंने फौरन भला चंगा कर देती। जादू होता हमारे पास तो हम यहाँ थोड़ी होते, कब का परीलोक लौट गए होते। खैर, अब यहाँ फंस गए हैं तो कुछ तो करना ही होगा। चलो मिट्टी के खिलौने बनाते हैं, वो भी बिना जादू के। तीनों बहनें पूरे मन से मिट्टी के खिलौने बनाने के काम में लग जाती हैं, और कुछ ही दिनों में बहुत बढ़िया खिलौने बनाने लगती हैं। वो कांता को बाजार भी नहीं जाने देती, बल्कि अब उन्होंने सारा काम आपस में ही बांट लिया था। सच तो ये था कि अब मेहनत करना उन्हें अच्छा लग रहा था। इसके अलावा वो तीनों मिलकर कांता की खूब सेवा भी करती थी। झुक झुक जियो मेरी बच्चियों, भगवान ने पूरी जिंदगी संघर्ष करवाया लेकिन तुम तीनों से मिलवा कर उस संघर्ष का इनाम भी दे दिया मुझे। बचपन में सोचती थी कि परियां कैसी होती होंगी, तुम तीनों को देखकर पता नहीं क्यों पर ऐसा लगता है कि बिल्कुल तुम्हारी तरह ही होती होंगी। अम्मा, वैसे अगर कभी परियों की दुनिया में पहुंच गई तो क्या करोगी? खूब नाचूंगी गाऊंगी। तुझे पता है बचपन से मैं हमेशा यही सोचती रहती थी कि मैं एक परी हूँ और परियों की दुनिया में घूम रही हूँ। सपना था ये मेरा। कांता की बात सुनकर तीनों बहनें एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगती हैं। सब कुछ पटरी पर था। वो तीनों अब कांता के साथ खुश रहने लगी थी, साथ ही अब उनका स्वभाव भी बहुत बदल गया था। फिर एक दिन, बस मेरी बच्चियों, तुम्हारी सजा पूरी हुई। तुमने यहाँ रहकर खुद में जो बदलाव किए हैं वो काफी है तुम्हारे पश्चाताप के लिए। मुझे खुशी है कि तुमने यहाँ रहकर इंसानों से इतना कुछ सीखा। रानी परी अपनी तीनों बेटियों को उनकी जादुई शक्तियाँ वापस कर देती है। अब वो तीनों परीलोक वापस जा सकती थी, लेकिन कांता को अकेला छोड़कर जाना उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। क्या हुआ, अब किस बात का इंतजार है? माँ, यहाँ हमें एक और माँ मिली है, हम इन्हें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। रानी परी मुस्कुरा कर उन तीनों की तरफ देखती है और फिर अपने जादू से कांता को भी एक परी बना देती है। तीनों बहनों ने अपना जादू वापस पा लिया था और इंसानों की दुनिया भी खूब अच्छे से देख ली थी, और अब बारी थी कांता के परीलोक घूमने की।